गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम पर की उसका सीधा सीधा असर टेलीकॉम सेक्टर पर पड़ता है. वन ऑफ द बिग बेनिफिशरीज ऑल्सो वोडाफोन आइडिया. हाल ही में बहुत सारी बातें की गई जब स्पेक्ट्रम फीस को लेकर कुछ कंसर्न्स थे, वो गवर्नमेंट ने कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की और अब लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में काफी एक्शन दिखेगा. आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के एमडी एंड सीईओ मिस्टर रविंदर ठक्कर के साथ और उनसे जानेंगे वोडाफोन इंडिया के अब इंडिया प्लान्स क्या हैं, क्योंकि सबको जानना है इज वोडाफोन कमिटेड टू स्टे इन इंडिया. सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, इज दैट इनफ एंड व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आपने ठीक कहा. गवर्नमेंट पैकेज जो अनाउंस हुआ सितंबर 15 को इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीफ पैकेजेस दैट वी हैव सीन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा. आई थिंक ऐसी रिफॉर्म्स यू नो बहुत ज्यादा बोल्ड मूव बाय द गवर्नमेंट है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब तीन तरह के कैटेगरीज के रिफॉर्म हम कह सकते हैं किए गए हैं इस पैकेज के अंदर. एक तो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसमें थिंग्स लाइक एजीआरडी डेफिनेशन को चेंज करना, स्पेक्ट्रम जो कि आगे ऑक्शन किया जाएगा 20 साल से 30 साल तक दिया जाएगा, और एसयूसी चार्जेस फ्यूचर ऑक्शंस के लिए ड्रॉप कर दी जाएंगी. सो ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए. द सेकेंड कैटेगरी के रिफॉर्म्स हैं जो मैं कहूंगा ऑपरेशनल रिफॉर्म्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टाइप ऑफ रिफॉर्म्स हैं. उसमें ऐसी चीजें कि कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म्स को सालों साल यू नो वेयर हाउसेज में नहीं रखना चाहिए, एक्विजिशन करनी चाहिए कस्टमर्स की, नए कस्टमर्स की इन अ डिजिटल फॉर्मेट एट लो प्राइसिंग, और इवन एफडीआई अप्रूवल जो कि हमारी इंडस्ट्री में 100% एफडीआई इज अप्रूव्ड बट 49% ऑटोमेटिक रूट से थी, उसको अब 100% ऑटोमेटिक रूट पे कर दिया गया है. सो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल रिफॉर्म्स एज वेल. बट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रियली अराउंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स. इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने ये किया है कि अगले 4 साल की पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट ऑन स्पेक्ट्रम पेमेंट्स एज वेल एज एजीआर पेमेंट्स उनको डिफर कर दिया 4 साल के लिए, और ये कहा गया कि जो इंटरेस्ट है उस पे वो आप पे कर सकते हैं एक्विटी के अंदर इनिशियली अगर आप चूज करें तो, और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स 4 साल खत्म हो जाएंगे उसके बाद ईच वन ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स अगर आप पे करना चाहें कैश पे कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की ऑप्शन ये भी हो सकती है कि वो एक्विटी भी ले लें बिजनेस के अंदर उस टाइम पे. सो ये फाइनेंशियल रिफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग बैंक गारंटी रिफॉर्म्स जो कह रहे हैं कि अब बैंक गारंटीज की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाएगी. दिस हैज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी. अब आपने क्वेश्चन पूछा कि ये क्या मीनिंग है इसका वोडाफोन आइडिया के ऊपर. इन दैट स्पेस आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बहुत मीडिया के अंदर क्वेश्चंस रेज हुए हैं, इंक्वायरीज हुई हैं कि ये कंपनी सर्वाइव करेगी नहीं, क्या प्लान है कंपनी का, प्रमोटर्स का क्या प्लान है कंपनी के लिए. मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें एज अ मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी एंड एज अ लीडर ऑफ द कंपनी हमें ऑलवेज कॉन्फिडेंस था कि वी विल बी अराउंड, वी आर हेयर फॉर years and we will stay and we will continue to stay in the country. ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के माइंड में भी कि ये हमारी कमिटमेंट है इस कंट्री के अंदर रहने की, सर्विस करने की, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने की इन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट इज विलिंग टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक श्योर सेक्टर डज वेल. सो ये सबसे पहली बात है. दूसरी चीज आई थिंक इज दैट के गवर्नमेंट ने क्लियर सिग्नल दिया है कि इंस्टेड के आप हमें पैसे दो, आप टेक दैट मनी, सो जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बाद पैसे बचते हैं प्लीज मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन टू द बिजनेस. सो दैट मीन्स कि हमारी 4G की कवरेज और बढ़ेगी, कैपेसिटी और बढ़ेगी, कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होगा, डिजिटलाइजेशन बेटर होगा और ये सब चीजें इंप्रूव होंगी एंड वी लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दैट. लास्ट चीज है कि वी हैव बीन इन द प्रोसेस ऑफ फंड रेजिंग, कंपनी नीड्स मोर फंडिंग और उस फंड रेजिंग दिस विल बी अ बिग चेंज, इट इज अ स्टेप चेंज एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ऑल द इन्वेस्टर्स दैट वी आर डिस्कसिंग विद विल सी दिस कंपनी इन अ न्यू लाइट नाउ. ऑब्वियसली सर आपने जो फंड रेजिंग की बात कही वही सवाल बहुत लोग अब जानना चाह रहे हैं, किस तरीके की फंड रेजिंग कंपनी करेगी, कहाँ से पैसे जुटाएगी, विल वोडाफोन पीएलसी पुट इन सम मनी जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस, किस तरीके का आप प्लान इस वक्त वर्कआउट कर रहे हैं और बाय व्हेन डू यू थिंक ये कंक्लूड होगा, बिकॉज
यहाँ पर टाइम बहुत क्रूशल है, तो कंपनी को पैसे अगर चाहिए तो उसकी फंड रेजिंग कब तक और कैसे पूरी होगी? तो स्वाति, सबसे पहले जब गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया वो कैबिनेट अप्रूवल में था, उसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उन्होंने सारे डिटेल बताने हैं ईच इंस्टॉलमेंट के, कैसे होगी, कितना डिले हुआ, क्या इम्पैक्ट है फाइनेंशियल। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिन में हमारे को सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट आई नो कि मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं उस पर बड़ी डिलीजेंटली, और वो डिटेल्स हमें कुछ दिनों में मिलेंगे। ऑब्वियसली जब वो डिटेल्स हमारे पास आएंगे हमें अपने बिजनेस प्लान अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बिजनेस प्लान हमारे पास इस वक्त हैं वो थे बिना पैकेज के और बिफोर पैकेज, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द बिग चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पैकेज। एक बार हम वो बिजनेस प्लान अपडेट कर देंगे उसके बाद हमें वेरी क्लियर आइडिया हो जाएगा कितनी एडिशनल फंड रेजिंग चाहिए हमें कंपनी को, और वो हम अपने बोर्ड के पास लेके जाएंगे अप्रूवल के लिए। Once we get the board approval, obviously disclosures will be made because we have to make those disclosures because we are a publicly listed company. एक बार वो disclosures हो जाएंगे, you know the exact size of those funding, और उसमें हम board पे बात भी करेंगे कि किस तरह से, what is the best way to bring that those funds, whether it is through QIP, preferred allocation, straight equity, other rights issue and so on. So वो सब चीजें हम discuss करेंगे board के साथ, and those announcements will also be made. I think timing-wise, we expect in the coming few weeks only those clarities to emerge, ताकि board का approval हो जाए, fundraising process can restart again in a positive manner. और जब तक fundraising close करने की बात है, वो hopefully in this financial year we will be able to close as well. So the timing is not very far. तो अब आप confident हैं ये fundraising आएगी, and do you think ये on the back of the reforms जो government ने करे हैं उसकी वजह से investor confidence होगा? कैसे देख रहे हैं and किस तरीके के आपको initial response मिल रहे हैं? Also क्या ये direct question है sir, Vodafone PLC will pitch in this fundraising sir? ऑन द इन्वेस्टर, सो वी हैव बीन, यू राइट, पिछले कुछ महीनों से हमने काफी इन्वेस्टर से बात करी है। दो तीन चीजें, फर्स्ट थिंग इज ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडिया में बहुत इंटरेस्ट है उनका इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड चीज, दे ऑल्सो लाइक दिस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। नॉट ओनली डू दे लाइक द सेक्टर बिकॉज इट इज सेक्टर ऑफ सेक्टर, ग्रोथ ऑफ द कंट्री, डिजिटलाइजेशन ऑफ द कंट्री, सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, बट ऑल्सो दे लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेक्टर, थ्री प्लेयर मार्केट एंड सो ऑन। बट उनके दिमाग में तीन चार क्वेश्चन जब हम बात करते हैं उनसे आते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इस सेक्टर को या नहीं, रिफॉर्म इस सेक्टर में। सेकंड, गवर्नमेंट चाहती है कि तीन प्लेयर्स रहें कंपेटिटिवली इन द मार्केट।